में डूबने वाले घर का मॉडल बना कर लाए हैं। वहाँ डूबने वाले घर का मॉडल ना, तो इसके लिए क्या क्या किए हो? पहले घर बनाए में, पीछे क्या क्या लगाए बताओ? थर्माकोल लगाए हैं और प्लास्टिक, प्लास्टिक की छोटी छोटी दो बॉटल। क्यों लगाए हो बॉटल और थर्माकोल, क्या करेगा इसको उफालेगा? ये ट्रे लिए है बाढ़ को बताने के लिए, इसमें पानी भरेंगे और ये घर क्या होंगे, जैसे पानी भरता जाएगा घर ऊपर उठते जाएंगे। इसके लिए हम ये सामान लाए, चार नली हम इसमें जो होल है इसमें लगाएंगे और स्टैंड के लिए हम यहाँ पे चार पेन को फिट करेंगे, तब ये कंप्लीट होगा, भी घर को भी डेकोरेट करेंगे। तो उसके पहले मैं इसका सिद्धांत बता देती हूँ आप लोग को। इस तरीके के घर उत्प्लावन बल पर काम करते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो पानी उस वस्तु पर एक दाब डालता है ना, ऊपर की तरफ, जिससे वस्तु डूब नहीं पाती, तैरते रहती। तो जो घर है इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे जैसे बाढ़ में घर डूबता है तो जो पानी होता है वो बल डालकर बाढ़ में घर ऊपर होता। तुम लोग सोचते हो कि घर ऐसे कैसे बन सकते कंक्रीट के, ये तो हमारा मॉडल है। तो इस टाइप के जो घर होते हैं ना, उनका जो बेस होता है गोदी जैसा, मतलब खोखली कंक्रीट का होता है, दीवार होती है, आधार होता है, लेकिन खोखला होता है जो नींव होता है। जबकि अपन लोग जब घर में नींव बनाते तो उसमें गिट्टी विट्टी भरते ना मजबूती के लिए, तो उसका जो वो रहता खाली रहता खोखला, पानी जिससे उसमें आए ना, इस तरीके से उसको बनाया जाता है कि पानी भरता है तो पानी के द्वारा जो दाब डाला जाता है तो घर ऊपर उठते हैं। जैसे ही पानी उतरता है तो गोदी खाली होती है, उनका जो आधार रहता है खोखला आधार, पानी बाहर निकलता तो घर नीचे होता है। तो इस मॉडल को हम इसी तरीके से इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस घर को डेकोरेट कर लेते हैं, है ना। डेकोरेट करने के बाद हम इसको लगाएंगे और फिर हम आपको पूरा इसका बना के बताएंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलो सबसे पहले हम इसको पहले फिट करते हैं, ताकि जब तक ये सूखेगा तो हम घर उसको बक्का लेंगे। तो इसको डाल दो चारों में। ये देखो इस तरीके का ये खोखला वो है ना, और यहाँ पे होल किए। ये किस लिए किए? ताकि इसमें जो हम पेन लगाएंगे वो ऊपर नीचे होगा पानी के साथ। इसको भी फिक्स कर देते हैं, चलो है ना। इस तरीके से चारों हम इसको फिक्स करती है ना, फेविक्विक से एमसील मिला के इसको चार स्टैंड जैसा इसको बनाने के लिए ना। लाइट गोल है, हार्ड ग्लू गन से ये नहीं हो पाएगा, लाइट रहती तो हम हार्ड ग्लू गन से इसको चिपका लें। पानी भरेगा तो इसी पेन से ये जो है ऊपर नीचे होंगे। पहले चारों में लगाओ ना, फिर अपन उसमें डाल के सीधे करेंगे तो ठीक जगह पे होगा। ऐसे पूरा पेस्ट बनाओ चारों ना, कटोरी जैसा। बहुत जल्दी लेकिन सेट होते हैं वाला। सब में डालो बेटा, जिसमें जिसमें हो गया ना, होल बड़ा है सर, इसलिए फिक्स नहीं हो रहा। एक इस तरफ डाल, अब हम इसको थोड़ी देर एमसील को ऐसे लगा के छोड़ देते हैं ना। अब ना इसको पकड़ के घर को उठा लो, ऐसे ये स्टैंड हो गया। अब इसको हम सूखने के लिए रख देते हैं। अब हम घर को डेकोरेट करेंगे। इसको उस तरफ रखो तो एकदम अलग से हवा में हो गया मैम। अब ये देखिए हमारा घर रेडी हो गया। अब हम इसको प्रयोग करके देखते हैं। बोले क्या उसमें पानी डालेंगे? पाइप के थ्रू इसमें पानी डाला जा रहा है बॉटल से,
और इसी पाइप के थ्रू पानी बाहर निकाला जाएगा। देखते हैं जब पानी भरता जाएगा तो घर के कैसे ऊपर उठ रहा है। पानी भर रहा है अभी इसमें, ये भी उठा उठी देखो ना पानी जब छूटा आओ पानी लग गया मैडम आओ नल भेज दे दू झल पानी और लाओ उधर पाइप से। देखिए ट्रे में पानी कैसे, जब हम इसको किए थे तो नीचे था, अभी पूरा इसकी बाउंड्री से घर ऊपर आ रहा है। पूरा पानी भर देंगे हम इसमें और फिर इसी पाइप के थ्रू पानी बाहर निकाल के फिर से और देखेंगे। अभी इसमें और पानी आएगा, अभी आधा ही तक हुआ है। आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, देखिए घर लेवल से ऊपर हो गया है। ट्रे में पहले घर नीचे था। ये देखिए घर कितना ऊपर उठ गया है, जितना इसमें पानी था उसी हिसाब से ये ऊंचा उठा है ना। पानी इसमें उत्प्लावन बल लगा रहा है इस घर को ऊपर उठाने के लिए। अब हम इस पानी को बाहर निकालेंगे पाइप के थ्रू और देखेंगे कि घर कैसे नीचे हो रहा है। चलो पानी खींच के इसको बाहर बाल्टी में निकालो। हाँ बाल्टी रखो नीचे। हाँ दिखाओ पानी में निकालो, आ रहा है ना पानी खींचने से। बाल्टी में करो बाल्टी में। देखिए पानी हम लोग फूंक के पूरा ये पानी निकालेंगे और फिर देखेंगे घर कैसे नीचे हो रहा है। घर की ऊंचाई हम देखेंगे कैसे नीचे हो रही है। सब लोग देखे कैसे बाढ़ में ना डूबने वाला घर किस तरीके से बना और उसका क्या सिद्धांत है, समझ में आया आप लोग को? ये देखो पानी इसमें निकल रहा और हम देखेंगे घर कैसे डाउन हो रहा है। कितना ऊंचा उठ गया था ना घर, पूरा पानी निकलने के बाद हम देखते हैं ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। लगातार पानी गिराया जा रहा है बाल्टी में, देखिए इतना सारा पानी आ चुका है। पानी पूरा निकालने के बाद हम इसकी पोजीशन देखेंगे। आप सब लोग इसको वॉच करिए। तो ये इस प्रोजेक्ट को आप सभी को बनाना है ना, अपने घर में ऐसी पुट्ठे पे घर बनाना और ऐसी ट्रे में धमेला में किसी में भी आप इसमें रख सकते हो। नीचे दो हल्की बॉटल, क्योंकि वो क्या करती है घर को उत्प्लावित करती है ना, इसको उत्प्लावित घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावित। बियॉन्सी फोर्स इसमें काम कर रहा है, उत्प्लावन बल, और इसको बियॉन्ड हाउस बोलते हैं, है ना। तो इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो ऐसे जगह जहाँ बहुत बाढ़ आती है, तो अगर इस प्रोजेक्ट को हम ऐसे जगहों पे कंक्रीट से घर बनाए तो वहाँ फायदा होगा ना। बहुत ज्यादा नुकसान होता है, घर के अंदर पानी आता है तो सामान कर सबका। अगर इस तरीके की स्कीम हम कंक्रीट के घरों में करें, है ना, उनका क्या करते हैं बेस हालो बनाते हैं, हालो कंक्रीट का ना, आधार और दीवारें। जैसे हम लोग घर की नींव खोदते हैं तो बहुत सॉलिड नींव रहती है ना, उसको खाली रखते हैं गोदी जैसा, और पानी उसमें भरता है तो घर ऊपर उठता है। ऐसे स्प्रिंग वगैरह लगाएंगे उसमें सिस्टम करेंगे तो पानी भरता जाएगा तो घर ऊपर उठता जाएगा, और जैसे ही बाढ़ का पानी निकलेगा चला जाएगा तो घर देखिए इसमें कितना लेवल पे घर नीचे आ गया। पानी देखिए कितना सारा इसमें पानी निकला है, देखिए इसमें पानी कितना कम हो गया पहले की तुलना में ना, हमने पानी इसमें कितना सारा डाला था, ये देखिए लेवल कम हो रहा है और घर भी क्रमशः देखिए कितना नीचे आ गया। सबको दिख रहा है ना, ये इतना सारा बाल्टी में देखिए लगभग 40% पानी पूरा आ गया है। पूरी ये ट्रे पानी की खाली हो चुकी है। अब इस घर का लेवल देखिए, स्टार्टिंग लेवल पूरा नीचे आ चुका है, है ना। फिर पानी डाल के फिर ये ऊपर चढ़ेगा। इस तरीके से यह मॉडल काम करता है। मॉडल आप सबको कैसा लगा? बहुत। तो आप सभी इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ये बच्चे बहुत मेहनत किए, चारों बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपको। इस तरीके से, हाँ इस तरीके से और प्रोजेक्ट आप लोग बनाइए और प्रस्तुत करिए। थैंक यू।